हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पर डिस्कस कर रहे थे, आज कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं उसके किस तरह से न्यूमेरिकल पूछा थे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं और पेपर में ज़रूर आते हैं आपके एग्ज़ाम में। जैसे न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि एक हीलियम नाभिक दिया हुआ है जिसकी रेडियस 0.8 मीटर है। कह रहे हीलियम नाभिक है, एक न्यूक्लियस है हीलियम का जिसकी रेडियस 0.8 मीटर है, ठीक है। 0.8 मीटर की त्रिज्या के एक वृत्त के प्रति सेकंड एक चक्कर लगाता है, प्रति सेकंड एक चक्कर लगा रहा है। कितना लगा रहा है? एक सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, यानी n बराबर 1 नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो गया, या t बराबर 1 भी लिख सकते हैं। तो हमसे कह रहा है इसके वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है? कह रहा है हीलियम नाभिक के चारों ओर, हीलियम नाभिक है ये, इसके चारों ओर 8.8 मीटर की त्रिज्या में एक जो है चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, जो जिसकी क्या है वन साइकिल पर सेकंड है। तो हमसे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड आउट करिए। तो बी बराबर फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ए मतलब रेडियस यानी आर भी कर सकते हैं यहाँ पर। आई तो हमें पता नहीं है, आई कैसे निकालेंगे? आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी। अब ही जो है हमें ये भी नहीं पता क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू के लिए क्या करेंगे, टी के लिए, टी तो हमें पता है 1 सेकेंड, और हीलियम नाभिक है, हीलियम नाभिक पर कितना होता है 2e चार्ज होता है, तो 2e अपॉन 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2e अपॉन 1 हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट की वैल्यू 4π × 10⁻⁷ और ये कितना हो जाएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ये आपका हो जाएगा आई कितना निकाला है हमने, इधर निकाला है 2e हो जाएगा, और अपॉन 2, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.8। ये 2 से ये कैंसिल, ये आ गया 4 × 3.14 × 2, और ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 1907 26 हो जाएगा। कैलकुलेट कर देंगे यहाँ से, ये कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 12.56 × 2 × 10⁶। मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 2512, ठीक है, × 10⁻²। तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर आपका आ जाएगा 2.5 × 10⁻², और बेवर या टेस्ला भी इसका एक मात्रक होता है। कितना हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू बताई थी 10⁻⁷ होती है, तो म्यू नॉट की वैल्यू 4π × 10⁻⁷। आई कैसे निकालेंगे, हमें क्या निकालना था, ठीक है, आई कैसे निकालेंगे, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। क्यू हीलियम के लिए कितना हो जाएगा, ये आपका 2e हो जाता है हीलियम नाभिक पर, ठीक है, तो ये 2e हो गया जाकर के, और आपको टी दे रखा था 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड था टाइम, तो यानी 1 आपका 1 हो जाएगा टाइम पीरियड, उसको 1 कर दिया आपने, कितना हो गया पर सेकंड ही था, तो 1 कर दिया उसको। यहाँ से हमने आई कैलकुलेट कर ली, आई की वैल्यू रख दी, कैलकुलेट कर दिया, और ये आपका क्या आ गया, बी आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लंबा सीधा तार जिसमें 30 एम्पियर की धारा बह रही है। दूसरे न्यूमेरिकल पर डिस्कस करते हैं। कह रहा है एक लंबा सीधा तार जिसमें 30 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी आई गिवन है, क्या क्या गिवन है, 30 एम्पियर की धारा बह रही है ये गिवन है, और क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि
कि एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यानी बी दे रखा है 4×10⁴ टेस्ला, 4×10⁴ टेस्ला बी गिवन है, और क्या कह रहा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर कार्य करे तो तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी आर हमें दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा? लंबा सीधा तार, लंबे सीधे तार के लिए आपको क्या बताया था, बी बराबर, ये आपको 2 दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं म्यू नॉट 2i अपान, ये हो जाएगा 4π और ये r, म्यू नॉट अपान 4π की वैल्यू 10⁻⁷, तो b बराबर क्या कर देंगे 10⁻⁷ इंटू 2 और ये कितना कर देंगे, i की जगह 30 कर देंगे और r कितना है 2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बना दिया, ये कैलकुलेट कर दिया तो 30×10⁵ टेस्ला b दे रखा था, क्या कह रहा था, तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर पूछ रहा था, तार से कितने, ये भी हमसे कह रहा था, ये ऐसे कह रहा था काम करे, तो तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना काम करेगा, ठीक है, तो आर ये कितना हो जाएगा, इसका कोई यूज नहीं है, उसमें दे रखा था इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो तार से 2 सेंटीमीटर पर कितना आ जाएगा 4 टेस्ला आ जाएगा। एक लंबे सीधे तार के कारण पूछ रहा है कि एक ये चीज़ नहीं है, ठीक है, पूछ रहा है एक सीधा वायर है, ठीक है, आई बराबर जिसमें 30 एम्पियर की धारा बह रही है, उसके 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो फार्मूला क्या लगा देंगे, बी बराबर म्यू नॉट आई अपान 2πr लगा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, म्यू नॉट अपान 4π 2i अपान r कर देंगे, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 10⁻⁷ 2×30, और इस तरह से हम एक लंबे सीधे तार के लिए, किसके लिए, एक लंबे सीधे तार के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। इस तरह से और भी क्वेश्चन हैं, एक और क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ऐसे क्वेश्चन दिया है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा है, कह रहा है कि एक परमाणु 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या, r बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम यानी इसको लिख सकते हैं 5×10⁻¹ मीटर, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻¹० मीटर होते हैं, ये पॉइंट हटाकर मैंने इसको 10⁻¹١ कर लिया, कह रहा कि चक्कर प्रति सेकंड यानी रिवॉल्यूशन दे दिए गए वो n बराबर 4×10⁻¹५ साइकिल पर सेकंड, ठीक है, ये आपको साइकिल पर सेकंड रिवॉल्यूशन दे दिए गए, कह रहा परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है, चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग m से लिखते हैं, m बराबर होता है n i a, अब हमें क्या नहीं पता है, i नहीं पता है, i कैसे निकालेंगे, i बराबर क्या होता है, i बराबर q अपॉन t, i बराबर क्या हो जाता है, q अपॉन t, आई बराबर क्यू अपॉन टी, और क्यू अपॉन टी को, वन अपॉन टी को क्या लिखते हैं एन, तो एन बराबर क्या हो जाएगा क्यू ई, कौन घूम रहा है एन क्यू यानी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये एन नंबर ऑफ, तो ये कितने हैं, ये आपको एम की जगह वन, ठीक है, एक परमाणु, आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4×10⁵, और आपको चार्ज कितना दे रखा है, इलेक्ट्रॉन है तो 1.6×10⁻¹ हो जाएगा, और रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस के लिए क्या निकालेंगे, एरिया के लिए, एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर,
तो पाई आर स्क्वायर 3.14 और आर कितना दे रखा है, ये कितना हो जाएगा 25 × 10⁻²। इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 25 × 10⁻²² हो जाएगा। ये पाई की वैल्यू रख दी, इसलिए इस तरह से ये एरिया कर दिया, एरिया की जगह ये आ गया है, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका चार्ज हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, ये इसको इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी इसकी, तो ये आपका हो जाएगा 12.56, इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर दी है, ये 12.56 कर लिया, इसको आपने 400 लिख दिया, यानी 40 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा आपका, ठीक है। और पावर एक में कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 15 हो गई, और ये 19, 22, 41 से आपकी 15 चली गई, यानी 26 × 10⁻²। ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक पावर उसमें भी ले डाएंगे, ठीक है, तो 24 और 22 बार 4 × 48 2 × 50 दो संख्या बाद, और इसको 10⁻²⁵ कर देंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे 5.02 × 10⁻²⁴ एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रहे होंगे। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कि 3i + 2j भी आपको दे रखा है, 3i + 2j, ठीक है, 3i + 2j दे रखा है, और आपको q दे दिया गया 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम, और जो इसकी वेलोसिटी दे दी गई है, वो वेलोसिटी आवेश का कण 5 × 10⁵, v = 5 × 10⁵i, ये रिवॉल्व कर रहा है, तो हमसे कह रहा है कि इस पर लगने वाला बल F कैलकुलेट करिए। तो F कैसे लिखते हैं, F बराबर लिखते हैं Q VB × B। इसमें कौन सी मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको क्या बताया था कि I वाले की J वाले से गुणा करेंगे, I वाले की I वाले से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो F बराबर, यानी ये कितना लिख देंगे, 3.2 × 10⁻¹⁹ हो जाएगा, V कितना हो जाएगा, V हो जाएगा 5 × 10⁵i, ये हो जाएगा इंटू ये कितना था आपका 3i + 2j। तो इससे नहीं करेंगे, इससे आपका जीरो हो जाएगा, J से करेंगे तो 5 × 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 3.2 × 10⁻¹⁹, और ये कितना हो जाएगा × 10⁵, और ये K, I और I क्रॉस J = K, तो ये K हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो F = कितना आ जाएगा, ये 6 कैंसिल होगा इसमें से, 13K, ये आपका क्या निकल आया, F निकल आया 3.2 × 10⁻¹³ न्यूटन। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।